ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब अपनी अगली शिक्षा में ऋषभदेव जी क्या कहते हैं, कह रहे हैं यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चिता गता स्मृतिर्विंदति तत्र तापान असाध्य मैथुन्यम अगारम अग्नः। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं विपश्चिता, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है। विपश्चिता का मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत पढ़ा लिखा है, उसने वेदों का भी पठन किया है, विपश्चिता है। और वो कह रहे हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भी पागल कहलाएगा। प्रमत्ताः, हो सकता है वो भौतिक दृष्टि से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और बड़ा ही उसने जो है पढ़ाई की है, लिखाई की है, वेदों का भी उसने पठन क्यों ना किया हो, लेकिन ऋषभदेव जी कह रहे फिर भी वो प्रमत्ता है। मत्ता का मतलब होता है पागल, प्रमत्ता का मतलब होता है अत्यधिक पागल। मतलब जैसे एक व्यक्ति पागल होता है और जब व्यक्ति अत्यधिक पागल हो जाता है उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसे प्रमत्ता कहते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विपश्चिता, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रमत्ता है, वो तो पागल है, कब होता है। तो कह रहे हैं यदा न पश्यति, अगर वो बुद्धिमान होकर के भी, अगर वो पढ़ा लिखा होकर के भी, अयथा गुणेहाम, अगर वो ये नहीं देख पाता है कि गुणेहाम मतलब इंद्रियों की सफलता के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अगर मैं अनेकों प्रकार के कार्य कर रहा हूं, अयथा व्यर्थ बोलते हैं ना, हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यर्थ, संस्कृत में कहते हैं अयथा, अयथा मतलब बेकार। अगर वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं ये जो इंद्रिया भोग के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए जो अनेकों प्रकार के कार्य कर रहा हूं वो व्यर्थ हैं, जब तक उसकी ये समझ में नहीं आता है वो व्यक्ति पागल है। तो अब हमारे लिए सरल हो जाता है समझना कि बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पीएचडी वाले भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन लोगों ने ली हैं, लेकिन अगर फिर भी वो अनेकों प्रकार के प्रयास में लगे हैं भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए, ऋषभदेव जी के अनुसार वो पागल है, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा क्यों है वो बताते हैं। स्वार्थे, वो अपना असली स्वार्थ नहीं जानता है, वो नहीं जानता है ये शरीर के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, इन इंद्रियों के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मेरा स्वार्थ नहीं है,
ये तो मेरे कपड़े मात्र हैं, ये तो मेरा वाहन मात्र है, ये एक यंत्र है शरीर, इसके लिए मैं इतना कार्य कर रहा हूं, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मान लीजिए आप कार के अंदर में बैठे हैं, आप भोजन नहीं खा रहे हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और कार की बढ़िया मरम्मत करवा रहे हैं, कार को आप सर्विसिंग के लिए आप रेगुलरली भेजते हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कुछ मिलेगा क्या उससे? तो यही ऋषभ देव जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान क्यों ना कहता हो, एक व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा क्यों ना कहता हो, लेकिन अगर उसका केवल कार्य क्या है, केवल शरीर की अनेकों प्रकार की इंद्रिय भोग के लिए कार्य वो मात्र करता है और ये नहीं समझता है कि ये मेरा व्यर्थ का समय जा रहा है, तो वो व्यक्ति प्रमत्ता है, मैड है, पागल है। आगे वो बता रहे हैं क्यों? स्वार्थे, क्योंकि उसको अपना असली स्वार्थ पता नहीं है। क्या स्वार्थ पता नहीं है? गता स्मृतिर विंदति तत्र तापान। उसको अपना असली स्वार्थ नहीं पता है कि मैं तो आत्मा हूं, गता स्मृतिर, मैं अपने स्थान को भूल गया हूं कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सनातन धाम का वासी हूं, स्मृति मेरी चली गई है, गता स्मृतिर, वो स्मृति चली गई है, उसको भूल करके, अपने आप को भूल करके मैं अब क्या सोच रहा हूं, मैं ये शरीर, और पागलों की तरह शरीर के लिए काम करने में लगा हुआ। तो ये हमारी हालत हो गई है, इसलिए वो कह रहे हैं उसको पागल कहते हैं। विंदति तत्र तापान, और उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, अपना असली स्वरूप भूल गया है आत्मा का, अब शरीर के लिए काम कर रहा है और उसके फल से उसको क्या मिलता है, तत्र तापान, केवल अनेकों प्रकार के ताप मिलते हैं। ताप का मतलब क्या होता है? कष्ट मात्र भोगता है, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेगा। क्यों भोगेगा? क्योंकि जितने प्रकार के शरीर मिलेंगे सब में अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, मनुष्य जीवन के कष्ट, जानवरों में कष्ट, पेड़ पौधों के कष्ट, अनेकों प्रकार के कष्ट ही कष्ट भोगेगा। शरीर का मतलब तो कष्ट ही है, जन्म से लेकर के मृत्यु और इन दोनों के बीच में बुढ़ापा और बीमारियां, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार दुखों से कौन बच सकता है जिसने शरीर की प्राप्ति की है, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, ये कष्ट तो भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं विपश्चिता का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने डिग्रियां ले ली हैं और मैं सोचूं मैं बहुत बुद्धिमान बन गया हूं, फिर भी मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए कार्य में लगा हूं और अपनी गता स्मृतिर, अपनी जो असली पोजीशन है, मेरा जो असली स्थान है आत्मा का, परमात्मा का अंश का, उसको मैं भूल गया हूं। उसके फलस्वरूप क्या होगा? तत्र तापान, अनेकों प्रकार के शरीर प्राप्त करूंगा, कष्ट भोगूंगा। तो आगे बता रहे हैं और क्या करता है व्यक्ति, असाध्य मैथुन्यम अगारम अग्नः। इस भौतिक संसार में हमें अगर आप किसी जेल में देखेंगे तो जेल में व्यक्ति को कैसे बांधा जाता है, हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है और उसको बांध दिया जाता है। हम लोग जानवर को कैसे बांधते हैं, इसी प्रकार से, या तो उसके पाँव में या उसके गले में चेन लगा करके, कुत्ते में आपने देखा होगा ना, कुत्ते के गले में चेन डाल देते हैं और बाद में उसको बांध देते हैं, गेट से बांध देते हैं या कहीं पर खूंटे से बांध देते हैं। हम लोग भी मैथुन्यम अगारम, अगारम का मतलब है जेल। ये जो जेल है जिसमें हम लोग बंधे हुए, ये शरीर हमारे लिए जेल है। आत्मा का कोई जन्म नहीं, शरीर में आकर के जेल में फंस गए, जन्म लेना पड़ेगा। आत्मा का कोई मरण नहीं, लेकिन दुख भोगने पड़ेंगे, अरे मेरा नियर एंड डियर वन मर गया, मेरा ये प्रिय सगा संबंधी था मर गया,
देखिए दुख भोगने पड़ रहे हैं, आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, लेकिन इस जेल में आकर के सब भोगने पड़ रहे हैं। जैसे जेल में कोई सुख भोगने के लिए जाता है क्या? जेल में कोई थोड़ी जाता है, बाहर जेल के बाहर है सुख, तो जेल के अंदर थोड़ी सुख होता है। तो हम लोग इस भौतिक शरीर में जो जेल के बराबर है, ये जो भौतिक संसार है जेल के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर में आकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब भोगने पड़ते, कष्ट भोगने पड़ते हैं। जेल के अंदर में भी खाना तो मिल जाता है, उतना मात्र सुख है क्या? ये बहुत बढ़िया स्थान है। और मान लीजिए, क्या हमको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई ये अच्छी जेल नहीं है, थोड़ी बढ़िया जेल में जाऊंगा, क्या ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए? अभी मैं तिहाड़ जेल में बंद हूँ, यहाँ पर खिड़कियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़ी बढ़िया जेल चला जाऊँगा, मेरा प्रमोशन हो जाए, वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जेल से बाहर जाने का लक्ष्य होना चाहिए। इसी प्रकार से स्वर्ग लोक चला गया, लेकिन फिर भी जेल से तो छुटकारा नहीं है, फिर भी शरीर तो लेना पड़ेगा, फिर भी जन्म मृत्यु तो सब कुछ है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ऋषभदेव जी कह रहे हैं, मैथुन्यम अगारम, भौतिक अपने गृहस्थ जीवन में बैठ करके सोच रहा है कि बस इन काम वासनाओं को मैं पूरी कर लूं और मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि इसके कारण उसे बार बार अनेकों प्रकार की देह की प्राप्ति करनी पड़ेगी और अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेगा। और अब अपनी अगली शिक्षा में और एक महत्वपूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसके द्वारा हम काम वासनाओं के द्वारा बंधे हैं, जैसे प्रिजनर क्रिमिनल जो होता है, जिसने अनेकों प्रकार के कुकर्म किए हैं, जो जेल में बंद है, उसको हथकड़ी से बांधते हैं, जीव को काम वासनाओं के द्वारा बांध दिया जाता है भौतिक संसार में। मैथुन मगारम उसको कहते हैं, मैथुन भाव, काम वासनाओं का भाव, भोगने का भाव, उसके कारण हम संसार में बंध गए हैं। अब ये बंधन कैसे प्रारंभ होता है अगली शिक्षा में बता रहे हैं ऋषभदेव, ये बंधन कैसे प्रारंभ होता है? देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने। बंधन, हम जब किसी चीज को बांधते हैं और जोर से बांधते हैं तो क्या करते हैं, एक गांठ लगाते हैं पहले, फिर उसके ऊपर एक गांठ और लगा देते हैं, और उसको टाइट करने के लिए और एक गांठ लगाते हैं, बहुत सारी गांठें लगाने के बाद में तब उसका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऋषभदेव जी बता रहे हैं, पहली गांठ कैसे लगती है, फिर दूसरी गांठ कैसे लगती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे हम लोग गांठ के ऊपर गांठ लगा करके हम संसार में कैसे बंध जाते हैं, वो अगली शिक्षा में बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पुंसहा स्त्रिया मैथुनी भावमेतत, यही मैथुन भाव, काम वासना पूरी करने के लिए पुरुष, पुंसा मतलब पुरुष, स्त्रिया स्त्री, मैथुनी भावम, एक दूसरे के प्रति काम वासना के कारण, मैथुनी भाव के कारण, तयो मिथोर हृदय ग्रंथि आहुर, पुरुष कहता है आई लव यू, स्त्री कहती आई ऑल्सो लव यू, और दोनों के हृदय के बीच में ग्रंथि बन जाती है, गांठ बन जाती है, ग्रंथि कहते हैं उसको संस्कृत में, ग्रंथि, हिंदी में हम लोग कहते हैं गांठ बंध गई। तो ये गांठ कैसे बंध गई, काम वासनाओं की भावना के कारण। जब पुरुष और स्त्री में ये काम वासना उसके उससे प्रेरित होकर के जब उनका मिलन होता है तो ये गांठ, पहली गांठ बंध जाती है। तो वही कह रहे हैं, हृदय के अंदर में ये गांठ बननी प्रारंभ हो गई। जरा आप देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का विवाह 30 साल में हुआ है, और मान लीजिए जो स्त्री है उसकी उम्र 24 या 25 साल की है, और पुरुष जो है उसकी उम्र 30 साल की है। तो 25 साल पहले उस स्त्री ने, उस महिला ने इस पुरुष के बारे में कुछ पता भी नहीं था, हो सकता है, और 30 साल पहले इस पुरुष को उस महिला के बारे में भी कुछ ज्यादा पता नहीं था।
तब तक तो ऐसा नहीं था कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, वो कहते कि मैं तुम्हारे में आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। लेकिन देखिए जब वो ग्रंथि बंद गई तब कितना अट्रैक्शन इस भौतिक संसार से, आसक्ति हमारी बंद जाती है, मैं तेरा तू मेरी। और इस प्रकार से इस भौतिक जिसे हम कहते हैं प्रेम, वेदों के अनुसार बताया गया है इस भौतिक संसार में प्रेम एक्चुअली केवल भगवान के साथ होता है, बाकी सब जिसको भी हम लोग प्रेम कहते हैं सब काम है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए है। प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता है, भगवान के साथ कोई लेन देन नहीं होता है, वो प्रेम कहलाता है। तो ये पहली गांठ बंद गई, आगे देखिए और ये गांठ कैसे टाइट होती जाती है। तो पहली हो गई पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तयो मिथोर हृदय ग्रंथि राहु। पहली गांठ बंद गई पुंसाम पुरुष और स्त्री की। दूसरी बाद में उनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में अतः ग्रह, अब मुझे घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। अब शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग कहीं पे पेड़ के नीचे रह लेंगे, अब हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मचारी तो बेचारे को क्या है, जब तक ब्रह्मचारी है कहीं पर इस आश्रम में ठहर गया, कभी दूसरे आश्रम में ठहर गया, कभी कहीं पर जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन अब जब विवाह हो गया है तब घर की ज़रूरत है, अब घर से भी गांठ बंद गई है। मेरा घर स्वीट होम, हम लोग लिखते हैं ना घर में लगा करके माई स्वीट होम। तो मतलब देखिए अब हमारी एक गांठ पहले बंदी थी, अब दूसरी गांठ बंद गई है ग्रह। आगे क्या है क्षेत्रा, और कुछ जमीन की भी जरूरत पड़ती है। सूता ग्रह बिना, घर में अगर बच्चा नहीं है तो शून्यम, घर शून्य कहलाता है, जीरो है, कोई फायदा नहीं है। तब मतलब संतान की जरूरत पड़ती है। सूता आपता, आपता का मतलब है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की भी जरूरत पड़ेगी। वित्तेर पैसे की भी जरूरत है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, और अब व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के मोह में फंस गया है। अहम मैं और मेरा, पहले केवल मैं था, अब मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी दौलत। तो अनेकों प्रकार की गांठें अब हमारी संसार में बंद गई है। तो कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हैं ऋषभदेव जी दे रहे हैं, और आगे शिक्षा हम अगली कथाओं में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।